हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे बायोकॉन लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे ये नीचे की ओर बहुत दिनों से गिर रहा है। लगभग 480 का हाई लगा के 2-300 के आसपास गिर चुका है, तो और ये कितना नीचे गिर सकता है, यू टर्न लेगा तो किस लेवल से, अगर ये उसको यू टर्न लेना है तो ले सकता है, इन दोनों चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जिस तरीके से मंथली टाइम फ्रेम में पहले तो मैंने चार्ट लगा रखा है, यहाँ पे देख लेंगे, और जिस तरीके से अभी यहाँ पे गिरावट हो रही है, एक बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि जो कि हर वीडियो में आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये जो भी ब्रेकआउट लेवल होता है वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट लिया और इस लेवल के आसपास, ठीक है, इस लेवल के आसपास यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये वोलेटाइल था, क्योंकि ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। लेकिन जब इसको इसने ब्रेक करके क्लोजिंग नीचे दे दी, तो यहाँ पे अभी 320 के बाद, देखिए 320 के बाद फिर से नीचे की ओर जाने लगा है। इस रैली, ये जो यहाँ पे रैली हुआ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 240 है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 240 है। और ये भी यहाँ पे देखेंगे एक ब्रेकआउट लेवल है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल जैसे जब फॉल हो रहा था तो यहीं से ये ऊपर की ओर निकला और इस तरीके से ऊपर जाके यहाँ पे फिर से ये एक तरीके का एक फ्लैग पैटर्न बोल सकते हैं, या फिर जो भी यहाँ पे इसने रैली किया है वो पूरा का पूरा यहाँ पे अभी लूज करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। सेकेंडली, अभी हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे और वहाँ पे थोड़े से हमें ज़्यादा अच्छे से इंसाइट्स पता चलेंगे, क्योंकि जो कैंडल्स हैं उनकी लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, हम लोग यही बात कर रहे थे कि 240 से इसकी यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हुई थी, लेकिन 275 के आसपास ये वाला आप हम लोग लेवल देख रहे हैं, 280 के आसपास, ठीक है, 280 के आसपास ये भी एक ब्रेकआउट लेवल था पहले, और ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था लेवल ब्रेकडाउन के पहले। तो अभी जब वो ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, जब ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो 280 का लेवल फिर से एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। क्यों काम कर सकता है, इसके पीछे के दो रीज़न हैं अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला रीज़न, तो अगर ये जो हमारे पास ये जो नीचे से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, जिसके ऊपर आके ये सपोर्ट ले रहा है बार बार, ये देखेंगे कहीं ना कहीं ये रजिस्टर, ये सपोर्ट प्लस इसका सपोर्ट एक आसपास यहीं पे क्रॉस हो रहा है, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस सेक्शन इसके आसपास है, 275 280 के आसपास है। तो यहाँ से फिर से चांस होगा इसके ऊपर निकलने का, क्योंकि जब ये यहाँ से नीचे गिर रहा है, ठीक है, जब ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है। फिर से अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है और कुछ भी एक ग्रीन कैंडल इस तरीके का फॉर्म करता है, या फिर एक बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म करे, ठीक है, कोई भी रिवर्सल हो, रिवर्सल कैसा हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। रिवर्सल मान लेते हैं यहाँ पे 2-4 दिन से लगातार ये नेगेटिव की तरह, मतलब नीचे रेड कैंडल बना के गिर रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए, तो ये यहाँ पे एक रिवर्सल का काम कर सकता है, जिससे इसका ब्रेकआउट होगा ऊपर की ओर, कुछ क्वांटिटी हम लोग फ्रेश एंट्री यहाँ पे उठा सकते हैं, सेम कैंडल का एसएल हम लोग लगा सकते हैं। सेकेंडली, क्या हो सकता है, यहाँ पे आया एक रेड कैंडल बना, इसके अंदर एक दो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गए, जैसे इस रेड कैंडल का यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा, इसी का असर लगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन में, ठीक है, आपको वो जो भी यहाँ पे रिवर्सल के कैंडल स्टिक पैटर्न है, एक बार उनको जाके चेक कर लेना चाहिए, बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्योंकि जब भी हम लोगों को नीचे लेवल पे अगर कोई भी शेयर खरीदना है बहुत ही छोटे एसएल के साथ, तो ये बेस्ट चीज़ होती है जो हमें हम लोगों को हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास मुझे लगता है 275 के आसपास यहाँ पे एक रिवर्सल मिलेगा। उसके बाद अगर रिवर्सल इन लेवल के आसपास मिलता है, ठीक है, तो ये ऊपर जाने की, फिर यहाँ से बायर्स इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम बायर्स, और हमको यहाँ पे पता है कि एक बाइंग मोमेंटम हो सकता है। तो जब ये ऊपर जाएगा, तो जिन लेवल्स को ये अभी ब्रेक कर रहा है, ठीक है, 310 300, जिस लेवल को ये ब्रेक कर रहा है, ये लेवल फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और फिर से अगर ये यहाँ पे नीचे आके और यहीं पे एक बेस बना के ऊपर की ओर निकल जाता है, तो फिर जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, ये याद रखेंगे, अभी 1 डे टाइम फ्रेम पे हम इसको देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तो हमारा क्वांटिटी यहाँ पे जितना भी पहले से उसका डबल हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा टारगेट ऊपर का ये जो ट्रेंड लाइन है, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और ये हमारा फिर से टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर यहाँ पे इसका थोड़ा सा अपोजिट होता है, ये ऊपर जाने के बाद यहीं से आके हिट कर देता है, तो हो सकता है हमारा एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है, और हम इस शेयर से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमें 1:2 मिला नहीं होगा, तो एग्जिट कर जाएंगे। और फिर से अगर ये और नीचे आता है, तो जहाँ से इस रैली की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, जैसा कि हमने अभी पीछे जाके 1 मंथ टाइम फ्रेम पे देखा था, ये 240 से लेके 260 का ये पूरा का पूरा रेंज है जहाँ से इस रैली की स्टार्टिंग हुई है। तो हो सकता है बायर्स फिर से इन्हीं लेवल्स के आसपास आके एक्टिवेट हों और बायर्स यहाँ से फिर से इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करें। तो अभी हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं,
डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे एक तरीके के चैनल में अभी भी फंसा हुआ है ये इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, तो इस तरीके के चैनल में फंसा हुआ है। और ये जो छोटा चैनल है इसमें ऑलरेडी यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ऊपर भी 4-5 बार यहाँ पे देखेंगे तो इसको ब्रेक करने की कोशिश किया और इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। तो अगर यहाँ पे क्या हो कि ये ग्रीन कैंडल बन जाए, मतलब फिर से एक रिवर्सल हम लोगों को मिले और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो, तो ये ब्रेकआउट होगा तो हम लोग बहुत ही स्विंग ट्रेड यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। मतलब छोटा स्विंग ट्रेड मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा सा ये चॉपी हो रखा है हम लोगों को पहले से पता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में 50% माल में इसे यहाँ पे स्विंग ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अगर इस ट्रेंड लाइन का हम लोग को 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके चेक करना चाहिए, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, मान लेते हैं ये रेड कैंडल है, यहाँ पे एक दो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए रेड कैंडल के बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, इसका ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। इस रेड कैंडल के अंदर एक दो ग्रीन कैंडल फॉर्म होकर अगर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और उसके साथ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्ले कर सकते हैं। जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगा इसके नीचे ऐसा लगाएंगे और अपना जो टारगेट होना चाहिए वो मिनिमम 1:1 होना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखेंगे 320 के आसपास इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर वाले लेवल, मतलब ये 330 तक ये फिर यहाँ से जा सकता है। एंड उसके बाद फिर से डिसाइड करेगा, इसको ब्रेक करके अगर ऊपर निकलता है तो वेल एंड गुड है, अपना स्टॉप लॉस अप ट्रेल करके रखिएगा लास्ट स्विंग के नीचे, ताकि आपका अगर एसएल हिट भी होता है तो आप घर कुछ पैसे लेके जाएं और बाद में हम लोग ऊपर का टारगेट जो कि 350 से 360 के बीच में इसको यहाँ पे चेज करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे तो यहाँ पे अच्छा पैसा बन सकता है, और ये नीचे जाता है तो हमारे पैसे इसके अंदर फंसेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे नीचे की बात कर रखी है कि नीचे ये 285 275 के आसपास से हो सकता है, जिस तरीके से यहाँ से रिवर्सल मिला है बिल्कुल उसी तरीके से रिवर्सल मिले, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन आ रही होगी, ठीक है, एक बार इसको हम लोग टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ से इस तरीके से एक्सटेंड होगा तो यहाँ पे फिर से ये ब्रेक कर सकता है, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन के अंदर चला जाता है और ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको ब्रेक कर देता है तो हम लोग पोजिशन बना सकते हैं और ऊपर के टारगेट के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं और स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे हम लोग ये जो भी प्रॉफिट होगा उसको घर लेके जा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपनी एनालिसिस जरूर कर लें, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।